नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे, आतंकियों ने कश्मीरियों को कहीं ना कहीं शर्मसार किया है, को बदनाम करने का प्रयास किया है इन कायर आतंकियों ने। जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले किस तरह से इन कायर आतंकियों ने एक ही दिन में बैक टू बैक यानी दो जो हमले हुए, जिसमें बताना चाहेंगे पूर्व सरपंच जो थे अजाज अहमद शेख जो बीजेपी के थे, शोपिया हैरापुरा में किस तरह से आतंकवादियों के यानी जिन्होंने हमला किया उसका शिकार हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। वहीं अगर बात करें जिस तरह से आप जानते हैं इलेक्शन का दौर है और किस तरह से ये आतंकी जो फिर से अपना सर उठा रहे हैं, कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने का प्रयास किया है। वहीं पर अगर बात करें तो दो टूरिस्ट जो आए थे जो कि जयपुर के रहने वाले थे, दंपति जोड़ा था, घूमने के लिए आए थे, किस तरह से वो परेशानी में है बताना चाहेंगे। जो अभी तक की खबर आ रही है हमारे तक सूत्रों के हवाले से कि उस आतंकी हमले में घायल हुए जयपुर के युवक की आँख निकालनी पड़ रही है और पत्नी के कंधे में राड पड़ी है और दंपति श्रीनगर में भर्ती है। पिता ने कहा है कि एयरलिफ्ट करवाया जाए, यानी जो जयपुर में उनके पिता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें नहीं पता था वो घूमने जा रहे हैं। ये कायर आतंकी कहीं ना कहीं बदनाम करेंगे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बदनाम करेंगे। ये कायर आतंकियों का मकसद है बेगुनाहों का, मजलूमों का खून बहाना और पीठ पीछे वार करना। पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। कश्मीर बहुत ही सुंदर है, एक बार घूमने पिछले 20 दिनों से प्लानिंग के बाद बेटा तबरेज और बहू फरार ने अपने 5 साल के जुड़ा बच्चा बेटा और बेटी के साथ घूमने का प्लान बनाया और घूमने के लिए निकल गए। उनके साथ बड़े भाई परवेज का परिवार भी था, मुझे भी साथ चलने के लिए कहा गया था। पता नहीं था घूमने जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हम कभी नहीं अपने बहू बेटा को और बच्चों को वहाँ पर घूमने के लिए घाटी में भेजते। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे आपको कि उसी के चलते यानी कि जो एक समाचार पत्रों में जो एक न्यूज़ जो आई उसी के माध्यम से आतंकी हमले में घायल जयपुर के युवक की आँख निकालनी पड़ी है। यानी ये बताया जा रहा था कि उन्हें मुँह पर जो बुलेट बस में सवार थे और जो जिस तरह से उन आतंकियों ने आकर हमला किया था पीछे से, तो वो बुलेट जो थे उनके मुंह पर लगे थे जिसकी वजह से उस जयपुर के युवक की यानी कि आंग निकालनी पड़ी, पत्नी के कंधे में भी राड डली है। दंपति श्रीनगर में भर्ती, पिता बोले एयरपोर्ट लिफ्ट कराओ जल्द से जल्द। कश्मीर बहुत सुंदर है, बार बार हम कहेंगे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर बहुत ही सुंदर है, पिछले 20 दिन से जो परिवार ने कहा कि 20 दिन से प्लानिंग बना रहे थे। ये कहना है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए प्रॉपर्टी डीलर तबरेज खान जिसकी उम्र 38 साल है की मां ने मजीदा का कहना है जो बेटे और बहू के बारे में बताते हुए रोने लगी हैं और तबरेज के साथ पत्नी फराह खान 35 वर्ष की हैं जो उनको भी गोली लगी है, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। और वही इलाज के दौरान तबरेज की एक आंख निकालनी पड़ी। तबरेज के पिता असलम खान ने बताया कश्मीर में आतंकी हमले में घायल तबरेज और फराह का श्रीनगर के GMC अस्पताल में इलाज चल रहा है। तबरेज के सिर में आंख के पास गोली लगी है। तबरेज का सुबह करीब 3 बजे ऑपरेशन किया गया, उसकी एक आंख डैमेज होने के कारण निकाल ली गई है। वहीं नाक की हड्डी टूटने के ब्लड बहना रुक नहीं रहा, जो ब्लड था खून रुकना बंद नहीं हो रहा था। नाक की हड्डी के लिए तबरेज का दूसरा ऑपरेशन होगा। फराह के कंधे पर गोली लगी है। तबरेज के बाद फराह का भी ऑपरेशन किया गया है। फराह के कंधे में राड डाली गई है। अब स्थिति पहले से ठीक है। 5 साल के जुड़वा बेटा और बेटी को श्रीनगर आरबी कैंप में रखा गया। बेटे बहू को एयरलिफ्ट करने की मांग को लेकर तबरेज के पिता असलम खान ने भारत सरकार के मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरी भारत सरकार से मांग है कि अच्छे इलाज के लिए बेटा बहू को श्रीनगर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाए, आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाए। पिछले 20 दिन पहले बनाई गई थी घूमने की प्लानिंग, असलम खान यानी तबरेज के पिता ने बताया। 23 मई को कश्मीर जाने के लिए तबरेज ने 20 दिन पहले ही प्लानिंग कर ली थी। उसने ही रिश्तेदारों के साथ कश्मीर जाने का ग्रुप यानी प्लान बनाया था। पत्नी बच्चों के साथ उसका बड़ा भाई भी कश्मीर घूमने के लिए उसके साथ गया था। 22 मई को कश्मीर से लौटने का टिकट करवाया था। कश्मीर में बेटे बहू के साथ ऐसा होगा पता नहीं था, ये तबरेज के पिता ने अपना दुख दर्द इजहार करते हुए कहा। रात को घर आया तो पता चला बेटा बहू हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तबरेज के पिता ने बताया घटना वाले दिन शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे तबरेज से
बात हुई थी तब बताया था कि ग्रुप के साथ घूमने निकलने वाले हैं। साथ ही उसके बाद रात करीब 9 बजे घर आने पर बेटे बहू को गोली लगने का पता चला। साथ गए रिश्तेदारों से पता किया तो उन्हें बेटे बहू को हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही। उन्होंने बताया कि पोती घटना के बाद सहम गई है, जबकि पोता ठीक है, हम श्रीनगर जाना चाहते हैं लेकिन टिकट नहीं हो पा रहा है। बहू बोली थी, खाना खाकर बात करती हूँ। तबरेज की माँ मजीदा ने रात को रोते हुए बताया, अगर पता होता तो बेटे बहू को कश्मीर नहीं जाने देती। बेटा अक्सर कहता था कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत वादियों भरा कश्मीर है, एक बार ज़रूर देखने जाऊँगा। साथ ही साथ बस इस वजह से उसको कभी मना नहीं किया। जाते समय उसने कहा था कि अम्मी तुम भी साथ चलो, लेकिन मैंने कहा बड़ा भाई परवेज भी साथ जा रहा है, तुम लोग घूम आओ। उन्होंने बताया दोपहर करीब 12:15 जब हुए तो परवेज ने कॉल कर बताया, अम्मी हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। वहीं पर उसके बाद बात नहीं हो पाई। रात को जब मैंने बहू को कॉल किया, बहू से बात होने पर उसने कहा, अम्मी मैं खाना खाकर आपसे बात करती हूँ। करीब 10 मिनट बाद बड़े बेटे परवेज का कॉल आ गया। घबराते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, गोली मार दी है। पूछने पर बोला तबरेज और फराह को। मैंने कहा उससे कितने इतने दुश्मन, उधर दुश्मन कहाँ से आ गए? मेरे बेटे के साथ बहू को भी गोली लग गई, पोती रो रहे थे माँ बाप के बिना। फराह की माँ ने कहा, आतंकवादी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सरकार को ध्यान देना चाहिए, आतंकवादियों की वजह से टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ डिनर करने पहुँचे थे गार्डन। ये भी बताया जा रहा था कि तबरेज के पिता असलम खान ने बताया, कश्मीर घूमने पर जयपुर से 50 लोगों के में 12 बच्चे भी शामिल हैं। सभी शनिवार रात करीब 9 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित गार्डन में डिनर करने गए थे। बस से उतरकर सभी डिनर के लिए गार्डन में अंदर चले गए, खेलते हुए बच्चे आगे निकल गए। गार्डन के गेट से तबरेज पत्नी फराह और साले शाहरुख के साथ अंदर घुस रहा था। इस दौरान बाइक पर आए 2 आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। चलती बाइक पर पीछे यानी बताना चाहे आतंकवादी ने 20 से 25 राउंड फायर किए। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखने के दौरान तबरेज और फराह को गोली लगी गई। शाहरुख ने के भी गले पर गोली की छूने की चोट आई, अस्पताल में कराया भर्ती। यानी गोलियों चलने की आवाज़ सुनकर लोगों में दहशत का माहौल, चीखों पुकार मच गई। महज 10 सेकंड में ही बाइक सवार दोनों आतंकी फरार हो गए। घायल तबरेज और फराह को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। शाहरुख को गले में चोट आने पर उसके पट्टा बांध दिया गया। बताना चाहेंगे कि सीएम से मदद के निर्देश। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तबरेज और फराह की हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वही बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जयपुर से घूमने गए पति और पत्नी पर किस तरह से ये आपदा आई है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एक बड़ी दुखद समाचार है, ये कायर आतंकी, इन आतंकियों ने कश्मीरियों को बदनाम किया है, जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है। और खुद सोचिए क्या संदेश लेकर जाएंगे वहां पर। यानी खुद सोचिए, ये कायर आतंकी कश्मीरियत के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर के दुश्मन है, ये आम जनता के दुश्मन है। इनका एक ही मकसद है कि सिर्फ कश्मीर को दहलाना और अपना कहीं ना कहीं मकसद को कामयाब करने, अपने आकाओं को जो कहीं ना कहीं दूर यानी सीमा पार बैठे उन्हें खुश करना। पर शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अरे आप तो अपनों के ही दुश्मन हैं, आप तो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, आप तो जम्मू कश्मीर के देश के दुश्मन हैं। क्या बिगाड़ा था उस दंपति जोड़े ने जिनकी आज आपकी वजह से जान पर बनाई है। आज एक पति ने, पत्नी ने अपने पति की यानी कि अपने पति को भी खुद देखिए, उस व्यक्ति का, उस युवा का तबरेज, जिसकी आंख निकालनी पड़ी कि इस कदर उसे गोलियां लगी थी। और साथ ही साथ उस महिला का जो घूमने आई थी उसके शोल्डर में यानी कंधे में उसे राड पड़ी है। उन 2 बच्चों पर, उनके साथ 50 लोग आए हुए, उनकी मानसिक पर किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा इस सारी घटना का। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम ज़रूर कहेंगे आज के दौर में आम जनता जागरूक हो चुकी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकाल कर इनके असली मुकाम पर पहुँचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने देश को बदनाम किया, जम्मू कश्मीर को बदनाम किया, कश्मीरियत को बदनाम किया है। ऐसे नापाक कोशिशें करने वाले, ऐसी नापाक हरकत करने वाले लोग, ना ही आपको भगवान माफ़ करेगा, ना ही आपको कानून माफ़ करेगा, ना ही जम्मू कश्मीर के लोग आपको माफ़ करेंगे। खुद सोचिए
क्या ऐसे जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट हैं जो यानी कि पर्यटक स्थल जो हैं वहाँ पर किस तरह से लोग घूमने आएंगे। खुद सोचिए वहाँ के लोग जो रोज़गार करते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इन्हीं पर्यटकों पर उनकी रोजी रोटी चलती है, तो क्या इस तरह का संदेश किस तरह संदेश लेकर जाते होंगे, पूरे देश में क्या खबर गई होगी कि वाकई कहते हैं अतिथि देवो भव, लानत है ऐसे लोगों पर जिन्होंने उन मेहमानों के साथ इस तरह से गंदी हरकत की है, इस तरह यानी कि घिनौनी हरकत की है जिसकी शायद भुगतान वो दंपति पूरी उम्र करेगा। पति की आंख चलेगी, आंख कहते हैं आंखों से हम दुनिया देखते हैं, नियामत है उसकी आंख को निकालना पड़ा क्योंकि आंख के पास जो हड्डी में जो यानी कि डैमेज हो चुकी थी जिसे निकालना पड़ा, अन्यथा जहर फैल सकता। पर शुक्र है भगवान का उन दोनों की जान बच गई, कोई बड़ी अनहोनी तो हुई है पर शुक्र है जान बच गई। अब कितना समय लेगा उनको इस घटना से बाहर निकलते हुए, पर ये ज़रूर कहेंगे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, हमारी भारत सरकार को कड़े कड़े कदम उठाने चाहिए। जो भी इस तरह की हरकत करते हैं, इनके समर्थक हैं, उन्हें उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिलहाल एक शर्मनाक हरकत है, क्या मैसेज लेकर वो दंपति जोड़ा जाएगा, क्या किस तरह के यानी कि हमारा प्रभाव होगा जम्मू कश्मीर में, जिसे कहा जाता है एक जन्नत है कश्मीर, किस तरह से जन्नत को जन्नत में किस तरह से उन्होंने एक ऐसी घिनौनी हरकत की है जो शायद बहुत बड़े सवालों को खड़ा करती है। हमारी जनता का क्या कहना, हम ये प्रार्थना करते हैं वो दंपति जोड़ा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने जयपुर में दोबारा वापस अपने चले जाएं और ठीक हो जाएं। पर जो आंख चलेगी वो वापस नहीं आएगी, जो उनके मन पर घाव लगे हैं, जो उनके दिलो दिमाग पर घाव लगे हैं, उन्हें समय लगेगा उसे पूरा होते हुए, उस घाव से उन्हें निकलते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें तक शक्ति दे, ताकत दे, वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द अपने घरों को वापस चले जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।